गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अपने गांव का व्यू। ये देखिए, यह है व्यू ऑफ माय ब्लेज चक्रीड़ा उड़ाराज नेलचामी घनसाली टीरी का। और फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ उधरकोला में, यहाँ पर मैं वीडियो बना रही जगह का नाम है उधरकोला। ये देखिए व्यू ऑफ उधरकोला फ्रॉम माय प्लेस। और ये मुंगरी कुछ करेले बस लगने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए। मैं बनाता हूँ पार से रिलेटेड ऐसी वीडियोस, और चलिए दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में आगे का व्यू। कुछ दिन बाद तेन मैंने देखा ना, तेन बुआ में जान कफन जाना बार दो साल बाद तेन मैंने देखा ना, सब बुआ मर ना ना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये व्यू ऑफ माय प्लेस। और अभी मैं ये वीडियो नंगल गांव से बना रहा हूँ। ये देखिए, अभी जा रहा हूँ मैं सोड़ में आज अपने खेत में, और अभी मैं हूँ नंगल गांव में। ये देखिए, ये नंगल गांव का व्यू। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है नंगल गांव में धारा। आज से 5-6 साल पहले यहाँ पानी आता था, लेकिन इस बार पानी सूख गया। और फ्रेंड्स, ये रास्ता है हमारे सोड़ के खेत जाने का। ये देखिए, अभी जा रहा हूँ मैं सोड़ में, और ये व्यू है हमारे गांव का। ये देखिए नंगवाल गांव। हाँ भाई जी, अभी बना रहा हूँ मैं ना भाई जी, ना बेटी ना ना चंदे मुड़े ना भाई, मैं मत दे दिया, मैं पियो ना। अच्छा, अब तक मैं घर वाल जाना है। हाँ भाई जी। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और मैं जा रहा हूँ अभी मम्मी के साथ में घास लाने के लिए सोड़ में। और ये देखिए, ये है सोड़ के खेत में जाने का रास्ता। ये देखिए, ये है अपना सोड़ के खेत में जाने का रास्ता। और ये देखिए हमारे गांव का व्यू। और फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी मैं जा रहा हूँ सोड़ में, और ये जो खेत है ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस गांव से कम 15-20 मिनट का रास्ता है इधर जाने के लिए। ये सबसे नज़दीक वाला खेत है हम लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक गांव से और खेत में जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। आई थिंक 20 मिनट तो लगते ही होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए, फाइनली मैं पहुंचने ही वाला हूँ बस अब अपनी सोड़ के खेत में। यहाँ से बस 5 मिनट के बाद, 5 मिनट की दूरी पे हमारा सोड़ का खेत है।
और ये देखिए ये कुछ खेत हैं, ये भी छोड़ में ही आते हैं। और ये खेत हैं हम लोग गाँव वालों के छोड़ के खेत, ये देखिए। और ये देखिए ऊपर की ओर भी, और ये कुछ चीड़ के पेड़। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है न्यू लाइट लाइन जो कि रुद्र प्रयाग टू टहरी जा रही है। और फ्रेंड्स चलिए दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। ये देखिए अभी भी 2-3 मिनट शायद वो लगेंगे जाने के लिए। और यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। ये देखिए ये कुछ खेत, ये देखिए ये जितने भी सब कहते हैं ये हम लोग के गांव वालों के ही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने छोटे छोटे रास्ते हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलेगा आपको आगे देखने के लिए। दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। ये देखिए फ्रेंड्स वाओ कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ठीक थोड़ा सामने दिख रहा है ये चौरा, ये देखिए। और ये है आड़ू का पेड़ आड़ू, ये देखिए। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये हैं कुछ चीड़ के पेड़, ये देखिए वाओ ऑसम व्यू ऑफ छोड़ के खेत का। ये देखिए फ्रेंड्स वाओ यहाँ की डांडिया कांटी यानी कि हिल्स, ये फॉरेस्ट, ये सम ट्रीज है। ये देखिए बादल वाओ इतना मस्त नज़ारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स आजकल खेतों में ये देखिए ये कोदा लगा रखा है, कोदा यानी कि मंडुआ। आजकल ये कोदा मंडुआ और ये जिसे हम लोग कहते हैं ये मार्चू, ये देखिए ये है मार्चू। मार्चू को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मंडवाले में ये मार्चू बोलते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए ये है हम लोगों का खेत, सामने मम्मी कोदे और मार्चू की गुड़ाई करती हुई। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो हमारे खेत हैं, एक ऊपर और एक नीचे। काफ़ी छोटे छोटे खेत हैं लेकिन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे ठीक ओडादार। और फ्रेंड्स ये देखिए ये है नीचे ओडादार मार्केट का व्यू। ये देखिए ये ओडादार थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर से, ठीक ओडादार मार्केट के ऊपर है ये हमारे सोड के खेत। और फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं आ रहा हूँ वापस अपने गांव की ओर। और ये बीच का कुछ नज़ारा ये ठीक सामने, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली मैं अभी वापस आ रहा हूँ। बस फ्रेंड्स यही था हम लोग के गाँव का व्यू। और फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। Keep it.